हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल फॉर्म्स आप बना सकते हैं और कैसे क्विज वगैरह, असाइनमेंट्स, यूटी एट्सेट्रा बना सकते हैं गूगल फॉर्म्स पे, और रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं स्मार्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल फॉर्म सर्च करिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। मेरे पास तो वो पहले से ही है, इसलिए मैं इसको सिर्फ ओपन करूँगा और नीचे एक प्लस का साइन ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, इसको प्रेस करिए। उसके बाद फॉर्म्स को क्लिक करिए। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म आ गए, यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करिए। तो इस पर आ गया कि टाइटल आपको क्या भरना है, आप टाइटल भर दीजिए इस पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भर दीजिए। मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स फिल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन भर दीजिए क्यों चाहिए, तो फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए मुझे 9th क्लास के लिए। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो शॉर्ट ही लेते रहें। नेम ले सकते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट फादर्स नेम, मदर्स नेम ले सकते हैं हम एज पर द रिक्वायरमेंट। शॉर्ट ही लेंगे क्योंकि अब इसमें तो शॉर्ट ही क्वेश्चन चाहिए हमें गूगल फॉर्म्स में, तो जो भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट की, मदर्स नेम हो गया। अब उसके बाद अब देखते हैं एड्रेस, एड्रेस ले लीजिए, ईमेल आईडी ले लीजिए, फ़ोन नंबर ले लीजिए, क्लास एंड सेक्शन ले लीजिए, ओनली चाइल्ड ले लीजिए कि ओनली चाइल्ड है, जो भी रजिस्ट्रेशन में फिल होते हैं। मैं तो 5-7 क्वेश्चन आपको वैसे ही भर के बता रहा हूँ, आपको जो जो रिक्वायरमेंट आप भर सकते हैं उसमें, कि आउट ऑफ दिल्ली है, इन दिल्ली है, ठीक है। इस तरीके से आप प्लस का साइन नीचे जो है उसको ऐड करते ना, कितने भी क्वेश्चन बना लीजिए, मल्टी ऑप्शन वाले बना लीजिए या फिर लार्ज क्वेश्चन बना लीजिए बड़े वाले, या शॉर्ट बना लीजिए, ऑप्शनल बनाने तो ऑप्शनल बना लीजिए आप। एड्रेस का हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको नीचे सबमिट कर दिया और अब हम इसको सबमिट कर चुके हैं। सबमिट करने के बाद हम व्यू फॉर्म्स देखेंगे। अब स्टार्ट, देखो फॉर्म्स आ चुका है, स्टूडेंट्स का नेम, क्लास एड्रेस वगैरह जो भी हमने फिल किया था वो सब आ चुका है। अब बैक करेंगे हम इसको और कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप के द्वारा, या जैसे भी आप भेजना चाहें भेज दें, मैं तो व्हाट्सएप के द्वारा भेजता हूँ। तो ये आ चुके हैं, मेरी 10th क्लास है, 10th B, तो मैं अपनी क्लास को भेज देता हूँ फॉर्म, आपको बताता हूँ कैसे भेजा। ऐसे भेज दिया मैंने, अब ये भेजा जा चुका है फॉर्म। अब एक स्टूडेंट ने इसको क्लिक कर लिया है, यस। अब क्लिक करने के बाद अगर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन भरवाऊँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने कहा 2-1 आप पॉइंट भर दीजिए फटाफट, ताकि जैसे उन्होंने भर दिया राजीव, फादर्स नेम भर दिया है ML, अब नीचे से सबमिट का बटन दबवा दिया उनसे, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे फॉर्म भरने, फिर टाइम बहुत लगेगा तो समझ नहीं पाएंगे। अब हमारे पास व्यू रिस्पॉन्स आ गया है, तो राजीव का आंसर आ गया, एक नो आंसर आ गया। राजीव का आंसर ये है, राजीव ML वर्मा, और बाकी क्वेश्चन के आंसर नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, है ना। देखो जितने भी आएंगे, अगर 10 आएंगे तो इधर आ जाएगा, 50 आएंगे तो इधर आ जाएंगे। अब हम बैक कर लिया है, अब मैं आपको बताऊँगा हाउ टू मेक क्विज। क्विज पर आ जाते हैं हम, क्विज का टाइटल जो भी दे दीजिए आप, साइंस दे देता हूँ मैं तो, केमिकल रिएक्शन दे दो, या वट एवर यू वॉन्ट, लाइफ प्रोसेस, वट एवर यू वॉन्ट ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टी चॉइस वाला ले लीजिए आप, तो वॉट इज़ दिस, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं गैलरी से, एक ये बटन है इसको प्रेस करिए नीचे डिलीट के बगल में जो है, तो मैंने एक इमेज ले लिए, और फिर ऑप्शन ऐड ऑप्शन, ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इससे ऐड करते रहिए जितने मर्जी ऑप्शन। कॉपर सल्फेट कर लिया, LM कर लिया, फिर सल्फेट कर लिया, और नन ऑफ द अबव कर सकते हैं, 4 कर लें ऑप्शन, 3 कर दें, करेक्ट ऑप्शन को एक बार क्लिक कर दें, ताकि
बच्चे को अपना स्कोर पता चल जाए और आपको चेक ना करनी पड़े कॉपी को, इस फॉर्म को या क्विज को चेक ना करना पड़े आपको। राइट है ना, लेफ्ट साइड उसको आप प्रेस कर दीजिए। अभी मैं प्रेस करके बताता हूँ आपको। राइट आंसर को प्रेस कर दीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट है राइट आंसर, तो प्रेस कर दिया। रिक्वायर्ड पे कर दीजिए, यानी कि ये आंसर देना ज़रूरी है, इसके बाद ही अगला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं अगर पिक्चर लेना चाहें या वीडियो, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। व्हाट हैपन्स, नॉर्मल क्वेश्चन ले सकते हैं, पिक्चर लेनी है आप गैलरी से ले सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं इसमें। डिलीट है ना, इधर डिलीट के बगल में ऑप्शन है ऐड करने का, गैलरी से कुछ भी क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं आप इसमें गैलरी से। क्वेश्चन पेपर ऐड कर लें, ना लिखना पड़े इनके भाई जस्ट यू राइट द आंसर, बट देन यू विल हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप इसको खुद ही ले लें, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बना लें, ऑप्शन दे दें ताकि चेक करना ना पड़े, स्मार्टली काम करें। पेपर बनाने में टाइम लगेगा, एक घंटा भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकता है, बट चेक नहीं करना पड़ेगा। 50 को दे दें, 100 बच्चों को डाल दें, आप पोस्ट कर दीजिए। आंसर को जरूर क्लिक कर दें, वरना बच्चे को स्कोर नहीं पता चलेगा। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बना दिए, आप कितने ही बना लें, 50 बना लें, 100 बना लें, एज पर रिक्वायरमेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। डिस्क्राइब ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ भी आप पूछ सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर सब्जेक्ट। ठीक है, अब नीचे लेफ्ट साइड सबमिट का बटन है, उसको दबा दीजिए। क्विज तैयार हो चुकी है आपकी, कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऊपर मैंने सबमिट का बटन दबा दिया, अब आप देख सकते हैं व्यू क्विज। लेकिन देखने के लिए फिर आपको फिर सारी फिल करना पड़ेगा अपना नाम वगैरह स्टार्ट करने के लिए, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, है ना। तो अब ये कॉपी लिंक कर दिया और मैंने व्हाट्सएप को प्रेस किया, तो व्हाट्सएप के द्वारा आप भेज सकते हैं इसको किसी को भी। मैं भेज देता हूँ इस बार इसको राजीव को। अब राजीव ने लिंक ओपन कर लिया है, राजीव इज रिप्लाइंग नाउ, क्विज स्टार्ट बटन, नेम भरते ही स्टार्ट हो जाएगी क्विज। तो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज दिस कॉपर सल्फेट, राइट आंसर दे दिया। व्हाट हैपन्स व्हेन अ रिएक्शन अकर ऑल ऑफ अबव, डिस्क्राइब ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उन्होंने सबमिट कर दिया, नहीं भरा क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो दो क्वेश्चन में से दो का आंसर सही है, 100% मार्क्स आ चुके हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको चेक करना पड़ा खुद ही, इसलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप भेजें। ऑब्जेक्टिव टाइप बैक कर लिया है, अब आप रिस्पांस देख सकते हैं। व्यू रिस्पांस, व्यू आंसर्स, वन रिस्पांस आ चुका है, मार्क विद मार्क्स आ जाएगा आपके पास। राजीव राज 100% मार्क्स हैं, दो क्वेश्चन से दो ठीक हैं, ठीक, एंड तीसरे का नो आंसर, उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट बना सकते हैं, यूटी बना सकते हैं और पीरियोडिक टेस्ट वगैरह बना सकते हैं। आप इसी तरीके से हमें स्मार्टली काम करना पड़ेगा। हैव ए नाइस डे।